हेलो एवरीवन, सो आई जस्ट वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि तुम लोगों ने थंबनेल देखा होगा, हम इस वीडियो में मेनली बेसिकली हम रिफंड और ट्रांसफर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन जेई मेंस पर बात करने वाले हैं। और गाइस, मैं बहुत ही ऑथेंटिक डेटा देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास है पीडीएफ। एनटीए वालों ने एक पीडीएफ रिलीज किया था अपने वेबसाइट पे, उस पीडीएफ में इस चीज का आंसर क्लियरली उन्होंने दिया था और आई होप कि तुम लोगों ने वो नहीं पढ़ा होगा। सो गाइस, उस पीडीएफ को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ और मैं अभी तुमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उस चीज को दिखाऊंगा और तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ, तुमको रिफंड करेगा नहीं करेगा, किस वे में रिफंड करेगा, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, सो गाइस, जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द वीडियो। ओके गाइस, दिस इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट जेई मेंस 2021। ओके, सो गाइज, हमारा मेन फोकस रहना चाहिए हमारा जो रिफंड और ट्रांसफर रिलेटेड टॉपिक्स है, हम उसको पढ़ते हैं। ओके, सो गाइज, यू कैन ईजली सी If any candidate has paid the fee for the session and he wishes to withdraw from the session or does not wants to appear in the session, then his or her fee will be refunded. तो guys, इसका answer क्या दिया है NTA वालों ने? Yes, in case the candidate do not wants to appear in the session or wish to withdraw from the session, will be refunded by the NTA. Okay? For this, what candidate will have to do? The candidate will have to make a request only during the application process of the session for which he or she wants to withdraw. मतलब कि अगर कोई candidate ने पहले ही pay कर दिया money for the further sessions and he wants to withdraw the money, so क्या NTA withdraw refund करेगा? तो वो बोल रहा है yes, वो NTA refund करेगा। क्यों, कैसे करेगा? तो उसके लिए एक प्रोसीजर है और वो एप्लीकेशन प्रोसेस में जब भी, मतलब कि तुमको अगर अप्रैल वाले सेशन में तुम भर रहे हो, ठीक है, अप्रैल वाले सेशन के लिए तुमने एप्लीकेशन फी पहले ही सबमिट कर दिया था फेब वाले में ही, बट अभी तुमको लग रहा है कि नहीं, हमको अप्रैल वाले में नहीं भरना है, उसमें से हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जो मार्च अप्रैल सेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस समय तुम सिंपली उस समय वहाँ पे ऑप्शंस देगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट गाइस, इसमें समझ लो कि हाँ, तुमको मनी वो रिफंड करेगा। कैसे करेगा, उसके लिए अगर तुमको जानना है कि कैसे करेगा, तो उसका तुम कमेंट में मेरे को कमेंट में बता देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, उसके लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा तुमको क्या क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो गाइस, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन क्या है। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन 12, इफ अ कैंडिडेट हैज पेड द फी फॉर ऑल द सेशन एंड ही डिड नॉट अपीयर टू विथड्रॉ फॉर द नेक्स्ट सेशन, देन हीज और ही हर फी विल बी रिफंडेड। इसका मतलब है कि कैंडिडेट ने पहले ही चारों सेशन के लिए मीन्स फॉर द सेशन के लिए मनी पे कर दिया, बट ही डिड नॉट अपीयर टू विदड्रॉ फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। लेकिन वो, जैसे कि अब मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर तुम मे अटेम्प्ट के लिए पहले ही पे कर दियो, बट तुम अप्रैल सेशन में देख रहे हो कि नहीं, मेरे को अप्रैल सेशन में मनी हमको वापस करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा जो एप्लीकेशन डेट रहता है या करेक्शन डेट देता है, उसी दिन तक उनको अप्लाई करना पड़ेगा, तक वहाँ पे ऑफिशियल साइट खुला हुआ है, लिंक खुला हुआ है कि हाँ यार, अभी तुम जाओ यहाँ पे, तुम अपना चेंजेस कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में, तुमको अगर रिफंड चाहिए तो रिफंड पे अप्लाई कर सकते हो, अगर उस डेट पे, उस पर्टिकुलर पीरियड में तुम अप्लाई नहीं करते हो तो तुमको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट एनटीए वालों ने कह दिया है, ठीक है। नाउ 13, हाउ कैन अ कैंडिडेट सबमिट द एप्लीकेशन फी, इट इज ऑनलाइन। ये बहुत बेसिक है, सो मेन फोकस हमारा रहना चाहिए गाइस 11th 12th वाले पॉइंट पे, ठीक है। हमारा रिफंड होगा, हाँ रिफंड होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर भी होगा, और कैसे करना है, हमें रिफंड करना है, इफ़ यू वांट टू रिफंड एंड अगर तुमको रिफंड चाहिए या ट्रांसफर करना है मनी, जस्ट लाइक अगर तुमको अप्रैल वाले सेशन में तुमने पहले ही पे कर दिया है, तुम चाहते हो कि नहीं, हमको अप्रैल वाले में नहीं, हमको मई वाले सेशन में देना है, तो गाइज वो भी होगा, ठीक है। कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दूंगा, अगर तुमको जानना है तो कमेंट कर देना, मैं एक नया वीडियो, सेपरेट वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं दिखा दूंगा तुमको कि हाँ, इस वे में तुमको करना है, ठीक है। ओके गाइज, सो गाइज, आई होप यू लव दिस वीडियो और ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और तुमको अगर चाहिए कि हम किस, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर रिफंडिंग और ट्रांसफर, देन जस्ट कमेंट में बताओ मेरे को, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके किसी बच्चे का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लेकर मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो फॉर रिफंडिंग और फॉर विदड्रॉ। ओके, सो गाइज, जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं तिल जोसा और सीसैप काउंसलिंग क्या होता है बहुतों को नहीं पता होता है, तो सीसैप काउंसलिंग तक तुम लोगों के साथ रहने वाला हूँ, हर यूजफुल इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगा, और जो भी डाउट होगा तुम कमेंट में बता देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो विद ऑथेंटिक डाटा। यस गाइज, मैं कोई फ्रॉड चीज़ नहीं करता, ऑथेंटिक डेटा से ही बात करता हूँ। ओके गाइज, सो थैंक यू, आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के बीच में शेयर करो, क्योंकि ये डाउट बहुतों को है और बहुतों को इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।